खुशियों के महलों में बैठो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासर शामी आपके खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं फिजा जो कि 10th क्लास की स्टूडेंट हैं और ये हैं शाफ जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। इन दोनों की लव स्टोरी जो है वो शादी में कन्वर्ट हो गई है, इन्होंने निकाह कर लिया। आप तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें बड़ी धूमधाम से इनकी एक वीक पहले शादी हुई है। इनके दोस्त और फिजा की जो सहेली है वो दोनों आपस में डेट किया करते थे रेस कोर्स पार्क में। ये अपनी सहेली के साथ वहां जाती थी और ये अपने दोस्त के साथ वहां जाया करते थे। वो दोनों जब डेट किया करते थे तो ये दोनों एक दूसरे की शक्लें देखा करते थे। आज वो दोनों इकट्ठे नहीं है, उनका ब्रेकअप हो गया है, लेकिन ये दोनों जो है इन्होंने एक दूसरे को प्रपोज करके शादी कर ली है। 10th क्लास का कंप्यूटर साइंसेस का इनका प्रैक्टिकल था, इन्होंने इनको कॉल की, घर बुलाया, इनको चाय पिलाई, आलू वाली बिरयानी खिलाई, थोड़ा सा इन्होंने दही डालने लगी तो इन्होंने कहा कि थोड़ा सा और डालूं, इन्होंने कहा डालने, यही बात इनके दिल में उतरी, जिसके बाद इन्होंने इनको आई लव यू का मैसेज कर दिया, इन्होंने भी आगे से आई लव यू टू कह दिया। फिजा को आप देख सकते हैं अभी इसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। ये इनके हस्बैंड हैं, इनकी आप साइड कटिंग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है, गोए के रील कपूर लग रहे हैं। मेहंदी वाले दिन इनके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आना था और मेहंदी वाले दिन इनकी सप्ली आ गई, जिसकी वजह से इन्होंने ये बात अपनी होने वाली शरीक हयात को नहीं बताई। और अगले दिन इनकी नंद ने यानी इनकी बहन ने इनको बताया कि एक सब्जेक्ट में उड़ गया है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं 10th क्लास में पढ़ती थी। मैं अपनी दोस्त के साथ गई पार्क, वो उसने डेट पे जाना था, उसने कहा मेरे साथ कोई जाने वाला है नहीं, चलो तुम मेरे साथ। मैंने नाटक किया, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैडम मुझे छुट्टी दे दे। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है चली जाओ। वो मेरी दोस्त कहती ये अकेली नहीं जा पाएगी, ये रास्ते में गिर जाएगी, मैं हमारा घर साथ साथ है, मैं इसको छोड़ देती हूँ, मुझे भी छुट्टी। आप उसकी स्टपनी थी? हाँ, उसने खैर रक्षा मंगवाया, हम चले गए। जी रक्षा पे नहीं, बंद रिक्शे पे हम ना रेस कोर्स चले गए। तो कहती तू मेरे नॉल ना नहीं रहना, मैं कला छड़ के नहीं कितने जाना। झूले झूले भी हमें ना झूलों का भी बहुत शौक था, तो रेस कोर्स अक्सर चले जाते थे हम ना झूले। उन्होंने झूले दिए आपको? अच्छे लगे, मैंने इनको देखा ना तो मेरा बस दिल कर गया। तीन चार बार गए तो ना मैंने ना अपनी दोस्त को कह दिया, मैंने कहा यार जो दोस्त आता है ना इसके साथ उस पे ना मुझे क्रश है। इनकी ना मेरे से पहले 4-5-6 गर्लफ्रेंड्स थी, मुझे नहीं पता था। बाद में ना इनके किसी दोस्त ने बताया, वो ना नाम ले देता होता था मेरे सामने। शॉर्ट, आपने इनको प्रपोज कर दिया और आपने इनके साथ शादी कर ली, वो आपकी सहेली और उसका बॉयफ्रेंड के साथ। उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। वो आपने करवाया? नहीं नहीं हमने नहीं करवाया। शक्ल लग रही तलाके करवाने वाली माई नहीं होती जिस तरह। नहीं वो दोनों आपस में सीरियस ही नहीं थे। सीरियस थे? हम दोनों वाकई सीरियस थे। नरम हॉस्पिटल की इमरजेंसी में थे आप दोनों जो सीरियस थे। क्या अच्छा लगा आपको? मैं सब चीजें अच्छी लगी थी। एक चीज होती है ना जिसपे आपने कहा मजा ही है। इनकी पुरानी गर्लफ्रेंड्स निकाल के देखो ना तो आपको उफल्ला ये क्या है, अजूबे थे वो। मैं बड़ी हुई है सरों में। तो आप बताएं ना इनको भी तो बोल लेते ना थोड़ा सा। मैं इसकी भी रात को तो निकाली है। मेहंदी वाले दिन जो सप्ली आई थी वो स्टोरी क्या है? मेहंदी वाले दिन मेरी बड़ी नंद कहती है तुम्हें पता है शाफ उड़ गया, शाफ का रिजल्ट आया। तो मेहंदी वाले दिन आपकी सप्ली आ गई? आ गई थी। अब वैसे पेपर शेपर आप दे रहे हैं शादी के बाद? देने हैं, 40 डेज पर पेपर है। शादी के बाद भी लोग पेपर देते हैं, वो दे रहे हैं? शादी के बाद इम्तिहान चल ही रहे हैं अभी तक। इसमें तो नहीं सप्ली आएगी? इसमें नहीं आएगी। इस सारी सूरत हाल में उम्रें आपकी छोटी हैं, घर वालों को कैसे मनाया? आए हुए थे मेरे घर तो पापा भी पीछे से आके, पापा कहते ये क्या सीन है, तो हम सारे घबरा गए हम। पापा कम ऑन लेट्स पार्टी। नहीं नहीं मेरे पापा ऐसे नहीं है, मतलब कि इतने। मेरे पापा तो ऐसे ही हैं, वो तो हमारे साथ ही बैठ के पार्टी करते हैं। मेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। अबू बहुत सख्त है, वो ना सिमट खाते हैं शुरू से। अब अपना नहीं मेरा सिर है ना। मामा ने कहा क्या करता है लड़का घर बार, मामा ने ये सब कुछ पूछा। तो मैंने कहा मामा आप घर देख लो, घर भी अच्छा है, खाते पीते लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आप मिलके एक दफा देख लो आपको पसंद आएगा। मेरे मामा की ना चॉइस काफी मिलती है आपस में। मामा ने कहा शाफ बताओ तुम इसको मेरी बेटी को क्या दे सकते हो, शादी कर देती हूँ क्या, इसके नाम करोगे सिक्योरिटी? क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते थे तुम? जो ये मांगती। आप इनको क्या दे सकती थी? मैं इनको जान भी दे सकती हूँ। जलसे में गोली लगेगी आपको। आखिर में पैगाम देना चाहते हो दे सकते हो? जो लड़के लड़की यहाँ पर मेरे रिलेशन में है वो निकाह करें, निकाह एक हमारे नबी करीम की सुन्नत भी है। और आप क्यों पैगाम देना चाहें? अगर आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो जरूरी है कि अपने पेरेंट्स को जल्द से जल्द बताएं और उनको मनाएं। मैं इनसे प्यार करता हूं तो मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लूं? मुझे सो करनी चाहिए। गाना डेडिकेट कर दे इनको। तुझे देखा तो ये जाना सनम,
प्यार होता है दीवाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। आप भी कुछ डेडिकेट कर दें। मैं कौन सा सुनाऊं? वो सुना दें वो जो आपने वो मेरी पप्पो के चरिश्मे पे गाया था। सुना दें कोई गाना सुना। पापी 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 चिलो ये ये पापी या अमिंगा आ अमिंगा ओ। हाँ ये मैंने गाना सुना हुआ है लेकिन इसका तर्जुमा करवा लें। वो लोग पता नहीं कुल्लों पे चलीस्पों पर गाते हैं। हमने तंजो मजा से भरपूर गुफ्तगू इनकी मर्जी से इनके साथ की है। छोटी उम्र में इन लोगों ने निकाह किया है और अल्लाह जन्नत नसीब करे उस कपल को जिसके साथ ये दोनों डेट पर जाया करते थे अपनी सहेली के साथ और ये अपने दोस्त के साथ। वो तो नहीं मिल सके लेकिन ये अब ऐसे मिले हैं कि अब इनको जुदा करना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। अपने मेजबान को इस खूबसूरत पैगाम के साथ इजाजत दीजिए कि किसी का झूठा दिल भरने से बेहतर है कि इंसान खाली बोतलें भर के फ्रिज में रख दे। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।